साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सुबह हुई भारी बारिश ने एक बार फिर गुरुग्राम प्रशासन के दावों को जहां धोकर रख दिया तो वहीं आम लोगों को परेशानियों में डाल दिया। आज सुबह भारी बारिश के चलते साइबर सिटी के NH 48 के साथ लगते इलाके बरसाती पानी में डूब गए, जिससे NH 48 से लगते नरसिंहपुर, रामपुरा, मानेसर और बिलासपुर में जल भराव और जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। सड़कों पर 5 से 7 किलोमीटर तक लंबा जाम लगने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे हो या फिर पुराना और नया गुरुग्राम, हर इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा था। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां बरसात का पानी जमा ना हुआ हो, जिसके चलते लोग काफी परेशान हुए और लोगों में जिला प्रशासन के प्रति गुस्सा साफ देखने को मिला। गुड़गांव में बहुत परेशानी है पानी, इसका आप देख ही रहे हो, रोड सर्विस रोड जाम है, हाईवे तक पानी आ गया है। अब 2 घंटे हो गए, जॉब पे भी नहीं जा पाए हैं, आज का एब्सेंट हो जाएगा। आज ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गया। हाँ, ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गया। हर बार इस तरह से होता है, हर बार इसी तरह से होता है जब बरसात आता है तो। कितना लंबा जाम लगा है? जाम बहुत लंबा है, दिल्ली से भी आ रहे हैं लेकिन ऑफिस में अभी कोई टाइम पर नहीं पहुँच पाया है। बहुत परेशानी होती है, अब वाहन तो अभी खराब ही हो जाना है, देख रहे हो आप पानी में, बस ये पिकअप खराब होकर रखी है। भाई बारिश में देखो, अभी ड्यूटी जाना था, अभी 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। इतना पानी बाइक लेके चले गए ना, बाइक खराब ही हो जाएगी, पहले इतनी बार यहाँ पहुँच चुके हैं। जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात? हाँ, हर बार ये प्रॉब्लम हर बार आती है। यहाँ गर्मी से रात है लेकिन आफत बन गई है। हाँ, गर्मी से रात है। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कितने घंटे से जाम लगा हुआ है यहाँ पर? ये तो जब से बारिश हो जाम ही लगा हुआ है, पूरा देख रहे हो आप, ये लग रहा है शाम तक ऐसे रहेगा। वहीं इस दौरान पुलिस भी जाम से जूझ रही जनता को राहत दिलाने में जुटी रही। जाम तो नहीं लगा हुआ, इस पर ट्रैफिक का प्रेशर काफी बढ़ गया बारिश की वजह से। हमारे 100-100 मीटर पे एक जवान लगा हुआ है जो ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए काम कर रहे हैं। पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, और अब व्हीकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। क्या ट्रैफिक पुलिस अब नगर निगम GMDO को भी लिखेगी इस पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ? उसके लिए हम GMDO के संपर्क में हैं, उनको हमने डायरेक्शन दिया है कि भाई आप पंप ज़्यादा और लगाएं ताकि पानी की निकासी जल्दी से जल्दी हो। तो जाम था, कितना लंबा पहुँच गया था कहाँ तक जाम? जाम नहीं लगा, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, जाम नहीं लगा, प्रेशर है, व्हीकल चल रहा है, स्लो चल रहा है। आप हमसे भी कुछ अपील करना चाहेंगे? यही है कि अपने लेन में चले, बीच में ना रोके व्हीकल को ऐसे टाइम पे, और चलते रहें। क्या सर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्रेन भी मंगाई गई है? हाँ, क्रेन हमारे पास अवेलेबल है, अगर गाड़ी खराब होती है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दें। बता दी कि ये तो अभी प्री मानसून की बारिश है और इसी बारिश से साइबर सिटी बेहाल है और गुरुग्राम प्रशासन के दावे भी इस बारिश में जैसे धुल गए हों। ऐसे में आज के हालातों को देखकर कहा जा सकता है हर बार की तरह इस बार भी बारिश के मौसम में गुरुग्राम वासियों को अगले 2 महीने तक जाम और जलभराव से बुरी तरह से जूझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम प्रशासन सिर्फ दावे करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।